हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन आवर ऑनलाइन क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक टुडे। टुडे इज द चैप्टर नंबर 6 इन इंग्लिश ग्रामर एंड द टॉपिक इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, व्हाट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव दैट्स मीन प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक यानी जिन सेंटेंसों से हम प्रश्नों को पूछते हैं। जैसे हम वेयर आर यू गोइंग, हम कह रहे हैं कि वेयर आर यू गोइंग। तो इस सेंटेंस में आपको क्या नजर आ रहा है कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, यानी हम किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद होगा क्या, जब हम किसी से प्रश्न पूछेंगे तो अगर सामने वाले की इच्छा हुई तो वो उसका जवाब देता है। तो यानी प्रश्न हम पूछते हैं, उसके बाद उसका हमें जवाब मिलता है, तो उसको कहा जाता है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस, दैट्स इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कि यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, तो सेंटेंसेस दैट आस्क, सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। यानी वह वाक्य जो क्या पूछते हैं, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या है? सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस, यानी वह वाक्य जो आपसे क्या पूछे, प्रश्न पूछे, वाक्य जो आपसे प्रश्न पूछे वो क्या कहलाते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब एग्जांपल देख लीजिए इंटरोगेटिव सेंटेंस का। एग्जांपल, वेयर आर द बर्ड्स ट्रिपिंग, तो यानी बर्ड्स कहां पर क्या कर रहे हैं? ट्रिपिंग यानी चींचू की आवाज करना। तो बर्ड्स कहां पर आवाज कर रहे हैं, ट्रिपिंग कर रहे हैं। ठीक है, चींची की आवाज कहां पर कर रहे हैं बर्ड्स, तो ये हम पूछ रहे हैं, यानी किसी हम किसी से हम पूछ रहे हैं कि जो बर्ड्स है वो कहां पर क्या है, चींची की आवाज कर रहे हैं, ट्रिपिंग कर रही हैं। ठीक है, यानी आवाज कर रहे हैं तो वो कहां पर कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में देखिए बेटा हम क्या कर रहे हैं, वेयर आर द बर्ड्स ट्रिपिंग, किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम किसी से, और देखो हमने यहां पे क्वेश्चन मार्क भी लगाया हुआ है। ठीक है, तो वेयर आर द बर्ड्स ट्रिपिंग, तो बर्ड्स कहां पर आवाज कर रही हैं, ये हम किसी से पूछ रहे हैं। तो जो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिनसे हम किसी को प्रश्न पूछते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहा जाता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम ऐसे कई वर्ड्स होते हैं हमारे पास जिनसे हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, जैसे व्हाट। ठीक है, व्हाट हमारा जो वर्ड है, वेयर, व्हेन, व्हिच, हु, व्हाई और हाउ, ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, ये क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको क्या क्या, जैसे हम यहां पर जो क्वेश्चन वर्ड होंगे हमारे, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड में क्या क्या आता है हमारे पास, जैसे हम बात करें व्हाट, व्हाट मीन्स आपको पता है, व्हाट मीन्स क्या। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, हम कहते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वेयर, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। उसके बाद व्हेन, व्हेन मीन्स कब। ठीक है, व्हेन यू रीच हियर, आप यहां कब पहुंचे, तो हम क्या कर रहे हैं, व्हेन का इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। जैसे इसके अलावा विच, विच, विच मीन्स कौन सा या कौन सी। ऐसे ही हम पूछते हैं हु, कौन, हु, कौन, कौन, यानी हम कौन का, कौन है वहां पर, हु आर देयर, वहां पर कौन है, तो हम क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो हु का भी इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा व्हाई, व्हाई, व्हाई हमारा नेक्स्ट वर्ड है, व्हाई मीन्स क्यों, हम कहते हैं अच्छा ऐसा क्यों करना है, तो वो क्यों, तो क्यों के लिए भी हम वाई का इस्तेमाल करते हैं। और एक लास्ट है, और लास्ट हो जाएगा हाउ, हाउ मीन्स कैसे, हाउ इज पॉसिबल, यह कैसे संभव है।
ठीक है, हाउ इज दिस पॉसिबल, यह कैसे संभव है, तो हम इन वर्डों से क्या करते हैं, मोस्टली हम इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं प्रश्न पूछने के लिए, जबकि इंटरोगेटिव जो वाक्य बनते हैं वो इन्हीं से नहीं बनते, इनके अलावा और तरीके से भी बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर मोस्टली हम इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं। कौन से, जो क्वेश्चन वर्ड मैंने कहा यहाँ पे, व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, विच है, हु है, व्हाई है और या हाउ, तो इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं बेटा हम क्वेश्चन पूछने के लिए ज्यादातर, ओमन जो हम लोग इन वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, तो इन वर्डों का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इन वर्डों को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। तो आप समझे, क्या समझे, कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंसेस दैट आस्क क्वेश्चंस, ओके, आर कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटरोगेटिव का मैंने एग्जांपल भी दिया कि वेयर आर द बर्ड्स ट्रिपिंग, तो देखो यहां पर एक वर्ड आया हुआ है वेयर, उसी से रिलेटेड मैंने यहां पर एक एग्जांपल भी दिया है। तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि इन्हीं के, आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन बनता है, इनके अलावा और तरीके भी हैं क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, डियर स्टूडेंट, When we change the statements with the verb, मैंने कहा था कि जो हमारे पास जो question word थे उसके अलावा कैसे हम interrogative sentence बनाते हैं, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे कैसे, कि when we change the statements with the verb, ठीक है, जब हम statement को किससे change करते हैं, verb से change करते हैं, am is was, देखो यहाँ पर जो verb हमारे पास है am is was और Where? तो अगर हम इनसे जो स्टेटमेंट को चेंज करते हैं इंटरोगेटिव में, अगर हम, यदि हम जो ये वर्ब है इनका इस्तेमाल करें किसको, इंटरोगेटिव बनाने के लिए, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं यहां पर, कि वेयर टू इंटरोगेटिव सेंटेंस वी प्लेस वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। देखो हम क्या करेंगे, जो वर्ब होगा उसको सब्जेक्ट से पहले लेके आएंगे, ठीक है, यानी स्टेटमेंट है यदि उसको हमें वर्ब से क्वेश्चन सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे, वर्ब को पहले लेके आएंगे उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे। सीधे सीधा अगर मैं कहूं यहां पर, तो मैंने एक फॉर्मूला यहां पर दिया हुआ है आपको, देखिए यहां पे स्टेटमेंट, यदि स्टेटमेंट है तो सेंटेंस कैसे होगा, सब्जेक्ट होगा देन वर्ब होगा, पर अगर हमें उसी को इंटरोगेटिव में बनाना है तो देखो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, वर्ब को हम पहले लिखेंगे उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, एग्जांपल से द्वारा हम करेंगे यहां पर, ठीक है, देखिए यहां पर एग्जांपल है हमारे पास, आई एम अ स्टूडेंट, ये क्या है, स्टेटमेंट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक, ये स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट को मैंने कहा था किसमें चेंज करना है, इंटरोगेटिव में, देखो ये स्टेटमेंट है इसलिए एंड किससे हुआ है, फुल स्टॉप से हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर क्वेश्चन में हमें चेंज करना है, देखो हमारे पास ना कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ना हमारे पास व्हाट है, ना वेयर है, ना हु है, या कोई अदर जो क्वेश्चन वर्ड है वो हमारे पास कोई भी नहीं है, अब हमें इसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे, देखिए यहां पे दिया हुआ है आई एम अ स्टूडेंट, तो मैंने आपको रूल बताया हुआ है, देखो ये स्टेटमेंट है इसलिए सब्जेक्ट पहले है उसके बाद वर्ब है, ठीक है। अब क्या है, इंटरोगेटिव में बनाना है, तो इंटरोगेटिव में बनाना है तो वर्ब को पहले लिखना पड़ेगा, तो वर्ब हमारे पास एम है, तो हम क्या करेंगे एम, ठीक है, उसके बाद अब सब्जेक्ट लिखो, देन सब्जेक्ट, तो एम आई, ठीक है, एम आई अ स्टूडेंट, बाकी जो हमारा सेंटेंस है वो वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये था कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूं, ये स्टेटमेंट है, कथन है किसी का कि मैं एक क्या हूं, विद्यार्थी हूं। अब मैंने इसी को किस में बदल दिया है, इंटरोगेटिव में, ठीक है, इंटरोगेटिव में मैंने इसको बदल दिया, तो देखो, ठीक है, तो मैंने क्या किया, वर्ब को पहले लिखा उसके बाद सब्जेक्ट को लिखा उसके बाद बाकी जो हमारा जो प्रेडिकेट होता है उसको मैंने लिखा, तो देखो एम आई अ स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, इसका मतलब था, देखो मैं एक विद्यार्थी हूं, या मैं कह रहा हूं किसी से कि मैं एक विद्यार्थी हूं, अब मैं यहां पूछ रहा हूं तो यहां पर जो मेरा जो फुल स्टॉप है वो मैं हटा दूंगा, क्योंकि हमने पहले फुल स्टॉप लगाया था, अब मैं फुल स्टॉप को हटा के क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, क्योंकि अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि क्या मैं एक विद्यार्थी हूं, तो वो सामने वाले पर डिपेंड कर रहा हूं कि वो बोलेगा हाँ आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो मैं यहां पर पूछ रहा हूं, तो इसीलिए एम आई अ स्टूडेंट और ये क्वेश्चन मार्क, हर जो आपका जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट में हमेशा आपको क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। डियर स्टूडेंट,
एक और अनदर फॉर्मेशन है जैसे जिससे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं. जैसे यहां पे दिया हुआ है कि व्हेन अ स्टेटमेंट हैज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब भी हुई, ठीक है, एंड अ मेन वर्ब, देखो दोनों हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब भी हुई, ठीक है, द इंटरोगेटिव इज फॉर्मेड यूजिंग दिस पैटर्न. फिर आप उसके लिए कौन सा पैटर्न इस्तेमाल करेंगे वो यहां पर मैं आपको बताऊंगा. अगर स्टेटमेंट में, सीधी सी बात है कि अगर स्टेटमेंट में आपके पास वर्ब के साथ साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो, पहले वाले जो रूल मैंने आपको बताया कि उसमें हमारे पास क्या होती थी, वर्ब होती थी और सब्जेक्ट होता था, फिर उसी के इंक्लूड करके हम क्या करते थे, वर्ब को पहले इस्तेमाल करते थे और उसके बाद सब्जेक्ट को इस्तेमाल करते थे. अगर यहां पर आपके पास हेल्पिंग वर्ब, वर्ब के साथ आपके पास हेल्पिंग वर्ब भी हो और मेन वर्ब भी हो, तो मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और मेन वर्ब कौन सी है सेंटेंस में, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस में. तो देखिए यहां पर, ठीक है, स्टेटमेंट अगर हो, सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद प्लस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब को लगाना होता है हमें, ठीक है. तो अगर आप उसको इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे, तो इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए उसके पास, हमारे पास क्या होगा, पहले हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब को. सीधा सा आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर आपके पास स्टेटमेंट में मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब भी हो, तो उसको इंटरोगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब को लगाना है. तो यहां पर देख लीजिए, हमारे पास देखो, आई एम गोइंग टू पास माई मैथ एग्जाम, यानी मैं अपना जो मैथ का एग्जाम है उसको पास करने जा रहा हूं, ये स्टेटमेंट है. अब इसमें देख लीजिए, यहां पर देखिए, गोइंग मीन्स जा रहा हूं, तो ये पहला जो हमारा मेन वर्ब हो गया, ये हमारा जो है ये हमारा मेन वर्ब है. अब हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, ये एम हमारा हो गया, आई एम जो है वो हमारा जो एम है वो हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो आई है वो सब्जेक्ट हो गया. अब हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले एक जो रूल कहता है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, तो उसको लगाएंगे हम ऐसे, ठीक है, एम, उसके बाद क्या करना है, ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट हमारे पास आई है, आई है, उसके बाद मेन वर्ब को लगाना है, तो मेन वर्ब हमारी क्या है, गोइंग, ठीक है. मैंने कुछ एक्स्ट्रा किया, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रूल को पढ़ा और रूल के हिसाब से लगाता गया. देखो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद पूरा प्रेडिकेट को मैंने वैसे ही लिखा, ठीक है, पूरे प्रेडिकेट को मैंने वैसे ही लिखा. तो देखो My maths exam, ठीक. अब यहां पे देखो फुल स्टॉप लगाया हुआ है, ये इंटरोगेटिव है, इसलिए मैं यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ये बन गया हमारा इंटरोगेटिव. सिंपल, आपने रूल को पढ़ना है, रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ड को क्या करना है, रीअरेंज करना है, और आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है. तो एक बार देख लीजिए कैसे स्टेटमेंट होगा, तो आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब होगा. जैसे यहां पर देखो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, पर अगर हमें इंटरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले क्या करा, रूल क्या है, हेल्पिंग वर्ब एम, उसके बाद सब्जेक्ट आई, मेन वर्ब गोइंग, और उसके बाद पूरा प्रेडिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. ओके स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल. एंड ठीक है, इससे रिलेटेड मैं आपको जो इसका होमवर्क होगा वो आपको मैं पीडीएफ उपलब्ध कराऊंगा आपके ग्रुप में. थैंक यू.